नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। लॉकडाउन को लेकर बबीना थाना क्षेत्र की BHEL पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने जांच अभियान चलाते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को दंडित करते हुए चालान काटे और जुर्माना वसूला। बीते रविवार को भेल चौकी इंचार्ज अजमेर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में भेल चौकी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना फेस मास्क लगाए बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों के चालान काटे गए तथा उनके खिलाफ 188 की धारा के तहत कार्रवाई की गई। इस तरह भेल पुलिस ने 19 लोगों से 2800 रुपये की राशि बतौर जुर्माना वसूल की और कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को फेस मास्क भी वितरित किए। रविवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए 10 लोगों के ई चालान काटे गए, 19 लोगों के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई की गई और 40 लोगों के खिलाफ फेस मास्क न लगाने की कार्रवाई भेल पुलिस द्वारा की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई। जो लोग प्रशासन के लॉकडाउन के निर्देश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 188 के तहत तब कार्रवाई की जाती है जब प्रशासन कोई ज़रूरी आदेश जारी करता है और उसका पालन नहीं किया जाता। सेक्शन 188 को ना मानने वालों पर 1 माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सज़ा दोनों हो सकते हैं। यह जुर्माना 200 रुपये तक हो सकता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए भेल झांसी से वसीम खान की रिपोर्ट।